आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उनका आज स्वागत किया गया है, भव्य तरीके से आज उनका जो है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो स्वागत किया गया। देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग बैंड बाजा बजा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? करबे गैया से। कहाँ लगे आए थे? बाजा बजाने के लिए आए हैं। किस बात के लिए बाजा बजा रहे? बाजा बजा रहे थे उनको नेताजी का। नेताजी के जो है सो आए हैं, जेल से छूट कर आए हैं, उनका सदका जीत हुआ है, इसीलिए उसी को खुशी में हम लोग बाजा बजाने के लिए आए हैं। बिल्कुल, तो तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, पप्पू यादव भी यहाँ पहुँच गए चुके हैं और कुछ देर बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं वो यहाँ राजधानी पटना पहुँचे हैं और आदित्य कम्युनिटी हॉल जो है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। और उससे पहले की जो तस्वीर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से उनका जो है वो जो है स्वागत किया गया है भव्य तरीके से। तमाम लोग जो है वो पटाखे नज़र जो जलाते हुए वो नज़र आ रहे हैं और तमाम लोग जो हैं वो बैंड बाजे नाचते गाते हुए पप्पू यादव को यहाँ लाया गया है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं साफ तौर पर। देखिए तमाम लोग जो यहाँ जब पप्पू यादव पहुंचे हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है यहाँ पर आदित्य कम्युनिटी हॉल में इन्होंने जो है वो बुलाया है और तमाम प्रेस के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लगातार कई तरह की सुर्खियों की जो खबर है वो निकल कर सामने आ रही थी। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो है वो जाएंगे कांग्रेस में, लेकिन इन तमाम तरह की बातों पर अब विराम लगना जाएगा क्योंकि पप्पू यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि क्या वो जाएंगे कांग्रेस में, विलय करेंगे, या जो खबरें हैं वो बस खबर ही तक ही सीमित है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जब पप्पू यादव पहुंचे हैं, कहा यह जा रहा है कि तारापुर सीट से जो है उनको चुनाव लड़ना है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद कि क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव यहाँ पहुँचे हैं और ये तस्वीर तमाम जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं राजधानी पटना के आदित्य कम्युनिटी हॉल में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है वहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा इनको जो है वो स्वागत किया गया है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद जो तमाम कयास है वो क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में जाने की बात हो रही है, तारापुर से विधान जो उपचुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो ये तमाम चीज़ जो है